अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको साइड में चुने होती हैं उसकी कटिंग का तरीका बताऊंगी फ्रॉक का। तो हमारी इसकी लेंथ है 35, हमने इसकी लेंथ ली है 37। नीचे से फोल्ड करेंगे 1 इंच, हाफ इंच ऊपर से करेंगे। अब इसके बाद हमने लेंथ ले ली और हमने इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की पूरी रखी है ताकि हमारी घेर वाली फ्रॉक बन जाए। ठीक है, अब हम इसका शोल्डर लेंगे। सबसे पहले 7.5 इंच पे हमारे शोल्डर हैं, 7.5 पे निशान लगाया हमने और ये आर्म होल का भी निशान 7.5 पे लगा लिया हमने। ये निशान लगाने के बाद हम इस निशान के ऊपर इसी के साथ साथ हम कमर का भी निशान लगा लेंगे 14 इंच पर। ये चौक से हमने कमर का भी निशान लगा लिया। ठीक है, अब हम इस जो आर्म होल का निशान है इस पे हमारा चेस्ट का फिटिंग का निशान आएगा। फिटिंग हमारी चेस्ट हमारा 18 है तो 9 इंच पे निशान लगाया और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। कमर हमने 8.5 पर निशान लगाया, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से कटिंग बन जाती है हमारी, सिलने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आता है। इसकी कटिंग करते हैं हम। ये कटिंग करके हमने इसका पीस अलग कर लेंगे। ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है, इसकी शेप ऐसी आती है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इस ये हमारी इधर चुने आएंगी इसकी, तो इसके लिए हम यहाँ से भी कटिंग करेंगे। यहाँ से हम देखें अंदर की तरफ से कटिंग करेंगे हम तकरीबन 4 इंच की। ठीक है, इसी निशान को हम 4 इंच आगे की तरफ कटिंग लगाया हमने, इसी के बिल्कुल ये 4 इंच की कटिंग हो गई। हमने 4 इंच लिया है हमने। अच्छा, ये हमने निशान जो लगाया था फिटिंग का, इस पे भी हम कट लगा देंगे और ये ऊपर से भी फिटिंग का कट लगा देंगे। अब देखें ये इस तरह से, मैं स्टिचिंग के टाइम आपको बताऊंगी लेकिन ऐसे ही बता देती हूँ, ये इस तरह से इसमें ये जो हमारा कपड़ा है इस तरह से हम चुन डालेंगे तो ये हमारी पूरा कपड़ा इसमें चुन डाल जाएंगी और कवर हो जाएगा। इस तरह से हमारी फ्रॉक का लुक इस तरह आ जाएगा। ये देखें हमारी आस्तीन की लंबाई है 20 इंच है, तो ये हमारा जो इस हमारे पास है ये 22 इंच आ रहा है। इसको 1 इंच हम फोल्ड कर देंगे तो ये 20.5 बन जाए, हो जाए, रह जाएगी हमारी। तो ये हम पूरा ले लेंगे इसको, इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे। इसकी 9.5 चौड़ाई आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 3 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से हम इसकी शेप दे देंगे। ये देखें आस्तीन की शेप दे दी। अच्छा, ये हमें आस्तीन जो है हम इसकी अम्ब्रेला रखेंगे तो ये हम इसकी चौड़ाई पूरी ले लेंगे। ठीक है, इसकी चौड़ाई पूरी लेंगे तो लेकिन हम हमारा इसका बॉटम है 6 इंच है बॉटम, तो हमारा इसको हाफ भी कर लेंगे। ये बीच में करेंगे हम 20 है तो हम 10.5 21 है, 10.5 पर हमारा हाफ होगा। यहाँ से भी एक निशान लगा लेंगे, यहाँ से हम लेंगे 6.5 इंच पर। ठीक है, अब इसकी हम शेप दे लेंगे ये इस तरह से, जैसे अम्ब्रेला बेल बॉटम टाइप की होता है इस तरह से। यहाँ से अम्ब्रेला आएगी आगे से, यहाँ से कोनी के इधर से थोड़ी फिटिंग होगी और यहाँ से भी हमारी ये इस तरह से आ जाएगी शेप। ठीक है, इसकी कटिंग कर लेते हैं, हमारा निशान कंप्लीट हो गया। पहले इसको बराबर कर लेते हैं। ये देखें अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बीच में कट लगा देते हैं। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई, ये हमारी पूरी शर्ट की कटिंग हो गई। इसका मैं गला बे गला बनाऊंगी, सिंपल, कोई डिजाइन वाला ऐसा नहीं बनाऊंगी, सिंपल गला बनाऊंगी। अब हम ट्राउजर की कटिंग कर लेते हैं।
इसके साथ ट्राउजर में सीधा बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी इसको। अच्छा थे जो हमेशा थे जब भी करा करें इसको लंबाई में करा करें, इस तरह किया करें लंबाई में, क्योंकि हम अक्सर चार थे होती है तो उससे हमारा मोटा हो जाता है और फिर फिटिंग वगैरह में मसला आ जाता है। शर्ट काटें आप या ट्राउजर काटें कुछ भी काटें इसको इस तरह से अपनी लंबाई लेकर लंबाई में फोल्ड करेंगे, फिर जितनी हमारी लंबाई है उसके हिसाब से इसको फोल्ड कर लेंगे। इधर हमारे इस पे नंबर आ रहे हैं, ये देखें इस तरफ नंबर आ रहे हैं, तो हम पहले एक साइड का एक लंबाई एक तरफ का पैंचा निकाल लेते हैं। हमारे ट्राउजर की लेंथ है 36, तो 2.5 इंच में इसमें नेफे की फोल्डिंग के लिए लूंगी और 1.5 इंच नीचे से फोल्डिंग कर लूंगी, तो हमारी 39.5 आ जाएगी 39। इसको अब हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। बीच में हमारा नंबर आ रहा है इसलिए हम बना ऐसे ही फोल्ड करते हैं। अब हम इस तरह से ले लेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमारे इसमें निशान आ रहे हैं वो निकल जाए ताकि, ठीक है। यहाँ इसकी लंबाई निकाल ली हमने, ठीक है। अब ये हमारा जो घूम है इसके, ठीक है, 18 इंच इसका जो हमारा साइज है हमारे पास उसके 17 इंच है, लेकिन इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो हमारी सिलाई में कवर हो जाएगा। अच्छा इसका आसन है, हम पहले इस पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे आसन का लगाया हमने निशान, उस वो नेफे का लगाया अपना फोल्डिंग का, उसके बाद हमारा आसन है 13.5, तो हम 14 पर निशान लगाएंगे, 1/2 इंच हम सिलाई कर लेंगे। अब नीचे से हम बॉटम का निशान लगाएंगे, बॉटम है हमारा 6.5, तो हम 7.5 पर हमने निशान लगाया 1 इंच एक्स्ट्रा। अच्छा देखें हम ये जो करते हैं घुटने तक हम तकरीबन 10 इंच, 10 से ये 14 इंच तक हम इसका सीधा लेंगे, क्योंकि नीचे से भी हमारा तकरीबन 1.5 इंच फोल्ड होगा, तो ये हम 12 इंच हो गया हमारा फोल्डिंग का, हम छोड़कर लेंगे तो 12 इंच हो गया। 12 इंच तक हम इसको यही 7.5 इंच का ले लेंगे, यानी कि हम सीधा लेंगे यहाँ तक, फिर ये यहीं से हम इस निशान से इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। ये हमारे सादे ट्राउजर के सादा सिंपल बिल्कुल ट्राउजर है उसकी कटिंग। ठीक है अब इसको देखें, हम यहाँ से तकरीबन 2 इंच ले लेंगे, ये 2 इंच लिया हमने, और यहां से इसकी हल्की सी गोलाई कर लेंगे। यहां इसको ये देखिए, यह हमारा साइड में डालेंगे, ये हमारा ट्राउजर तैयार है।